हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ विटामिन, फाइबर एंड प्रोटीन से युक्त रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यह रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और प्रोटीन फाइबर से युक्त है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी भीगा हुआ चावल। इसको 4 घंटे के लिए मैंने भिगो लिया था। अब इसको जार के अंदर डाल देते हैं और ये लिया है स्वीट कॉर्न के दाने। ये फ्रेश स्वीट कॉर्न के दाने हैं। 2 मकई के दाने मैंने निकाले हैं। आप इसे पैकेट का मार्केट से भी ला सकते हैं, ऐसे दाने मिल जाते हैं आराम से। इसको भी डालेंगे जार के अंदर। छः सात लहसुन की कलियां ली हैं और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी जार में डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही कम चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में बना कर दे सकती हैं, सुबह के नाश्ते में तैयार कर सकती हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं बनाने की ओर। तवे पर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। आप बटर में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, किसी में भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब तवे पर बटर को डालेंगे। इसको फैला लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसे चीला बनता है जितना मोटा, वैसे ही इसको भी फैला लेना है। देखिए फ्रेंड, एक साइड का सिक चुका है। अब मैं इसे दूसरी साइड भी सेक लेती हूँ। देखिए कितना सुनहरा सा रंग आ गया है। देखिए फ्रेंड, दूसरे साइड भी बहुत अच्छे से सिक चुका है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत हेल्दी है। देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं उसे उतार लेती हूँ। देखिए मेरी झटपट से टेस्टी हेल्दी रेसिपी तैयार हो गई। ये बहुत ही जल्दी बनती है और देखिए फ्रेंड्स कितना जालीदार बना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसे ट्राई करें। इसी तरीके की अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी क्विक रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।